नमस्कार दोस्तों, खाली बाल्टी देख सके आपने आज सुबह वीडियो में देखा होगा जितेंद्र भाई की। हमने पांच पशुधन को जो कवर किया है तो जिसमें हम ठीक है निकाले नंबर पर और जो थर्ड नंबर पर हमने जो कवर की थी तो उसकी जो मिल्किंग है उसकी वीडियो आप अभी देख पा रहे हैं, तो जिसमें काफ़ी अच्छी डिटेल हमें देखने को मिली थी। तो आप यहाँ देख पाएंगे बफेलो नंबर फर्स्ट एंड थर्ड दोनों की जो मिल्किंग है, और इसके बाद यदि कोई बायर है तो वो अपने लेवल पर जो है सेटिस्फेक्शन करे, अपने लेवल पर जो है मिल्किंग करे, खुद संतुष्ट होने पर ही जो है पशुधन को बाई करे। हाँ ठीक है, फेंट दो, अब दूध फेंट दो। इसको रहने दो मुकेश जी, 8 लीटर मानो आप। जी जी ठीक है जी जी। वैसे कुछ काफ को भी जो है पिलाया गया होगा, उसको भी छोड़ दो आप। जी जी, आप दूसरे को और ना, दूसरे को ना। जाग फेंट दिए गए थे इसके। हाँ ठीक है, खाली हो गए। इसको भी रहने दो मुकेश जी। नहीं नहीं ठीक है, काफी दूध है जी। 12 लीटर बताया था मैंने। जी बिल्कुल, 12+ रहा है। हाँ। और इसका 15 मान के चलने बताया था, तो इसका हाँ। एक टाइम का आज 22 तारीख है, तो 22 तारीख की एक टाइम की मिल्किंग में इसने जो है 8 लीटर प्लस ही कुछ दिया, प्लस ही दिया। मैंने मतलब वीडियो में कहा था कि भाई दूध तो है 16 लीटर से ऊपर, लेकिन आप 15 मानो। जी 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 ठीक है, तो काफी अच्छी डिटेल। आप अभी जो है दूध निकालने के बाद यदि हम बात करें झड़ाव की, जिसको बोलते हैं, तो आप यहाँ देख सकते हैं काफी अच्छा झड़ाव हम जी ठंडे स्वभाव की, बिल्कुल ठंडे स्वभाव की जी। जितने ठंड को बिछोगे उतनी मोटी धार निकलेगी जी, बिल्कुल नरम धार जी जी। 500 उसके तो मैं कह नहीं सकता जी, क्यों, वो तो अभी प्रेग्नेंट है जी, काविंग नहीं की, काविंग नहीं की है जी। चारों भैंसों की मैं ये कह सकता हूँ बिल्कुल अच्छा पावस जी जी, नरम धार जी जी ठीक है जी जी। तो वीडियो को मैं बताएंगे उससे 21 निकलेगा जी 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 जी। तो काफी अच्छा है ये, आपके लिए भी, व्यूअर्स के लिए भी, खरीदने वाले के लिए भी, बेचने वाले के लिए। 4 टाइम तो मिल्किंग करो ही करो जी जी जी, ये कहूंगा मैं जी, तो काफी अच्छी बात है। तो वीडियो को मैं ज्यादा लंबी नहीं करते यहीं समाप्त करना चाहूंगा। तो हमने 22 तारीख को जो है शाम के टाइम जो है एक टाइम की मिल्किंग की है, और यदि कोई वीडियोज के माध्यम से बायर्स के रूप में आता है तो वो अपने लेवल पर मिल्किंग करें। जैसा कि सर ने बताया है आप 4 टाइम जो है मिल्किंग कर सकते हैं, तो जैसा आपका जो सिलेक्टेड पशु है आप उसकी मिल्किंग करें, अपने लेवल पर सेटिस्फाई होते हैं तो पशुधन खरीदें। तो आज की वीडियो में इतना ही, धन्यवाद जितेंद्र।